है कि पढ़ाई छोड़ दी मैंने हमारी कमेंट सब, ना मैं बोला, खुद नहीं देखी हूँ व्लॉग ये वो, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ छोड़ दिए। देखेंगे अब नेक्स्ट सेमेस्टर फाइनल ईयर हो जाएगा इसका। मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज। मैं हूँ सचिन, आप सबका अपना दोस्त। और मनीषा भी बना रही है, क्या बना रही है जी? पाव भाजी। तो मनीषा भी बना रही है मस्त गर्मा गर्म पाव भाजी। पाव तो आ चुका है, वो तो गर्म होगा बाद में। बटर भी है फ्रिज में, पता है ना, बटर में पाव को एकदम मस्त गर्म करके, तो बाप रे बाप, नाक में छींक लग रहा है। और भाजी की तैयारी चल रही थी कढ़ाई में, मम्मी गई हुई है गोरखपुर। अब मम्मी को कौन अब क्या समझाए, उन लोगों को आदत है गोरखपुर सिवान यही सब ट्रीटमेंट कराने का। तो पता है क्या गाइस, ट्रीटमेंट की बात नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे भी होते हैं लेकिन बहुत हेक्टिक हो जाता है, इनके लिए बार बार जाना। आप फिर सुबह गए शाम को आएंगे, प्रिंस लेके गया अपना व्लॉग वगैरह अपना शूट करेगा, मेरे को कोई बताया भी नहीं, मैं आराम से सोया हुआ था। और छोटे गाड़ी से चले गए ये लोग, लेकिन फिर अब मैं उठा तो मैं देखा, मैं उठा क्या, मैं जब उठा तब देखा ये लोग जा रहे थे, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं अब रोकेंगे नहीं। लेकिन अब गोरखपुर का मेरे को ना पर्सनली अब बताऊँ तो हेक्टिक लगता है, जाना आना सेम डे, और उसके बाद भी बीमारी ठीक नहीं होती ठीक से, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाता है। तो अब मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में, अपना बोलना ही छोड़ दूँ। मैंने तो बोला था कि चलो वहाँ बाला चंडीगढ़ पीजिए वगैरह आराम से मस्त, वहाँ ठीक हो जाएगा सब कुछ, वहाँ रह के आराम से ठीक हो जाएगा। तो अब सबका कहना था नहीं, वहाँ जाने के बाद ज़्यादा काम पड़ जाता है मम्मी को, ये वो, तो हमारे पास ही ज़्यादा मम्मी को दिक्कत होने लगता है। तो कोई बात नहीं है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होता है। लेकिन मनीषा जी यहाँ पर खाना बना रही है, तो अभी सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं, अब नाश्ता मैं करूँगा, सब लोग तो खाना पीना खा चुका है। अब यहाँ पर रोटी 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 सुबह सुबह मेरे से खाया नहीं जाता है, क्योंकि मैं कुछ मीठा खाता हूँ उसके बाद से रोज़ रोज़ रोटी नहीं खा पा खा सकता ब्रेकफास्ट में, इसलिए मैंने बोला कि आज थोड़ा अलग ट्राई करो। तो आज पाव भाजी बन रहा है, पाव भाजी बनेगा और उसके बाद से मैं खाऊँगा गर्मा गर्म मस्त पाव भाजी। लड्डू उधर बैठ के आराम से अपना टाइम्स देख रहा है, लड्डू है तो मस्त मज़ा आ रहा है, उसके बाद खूब खेला हूँ मैं, खूब खेला हूँ आज, और उसके बाद थोड़ी देर में फिर अभी और खेलूँगा। तो आप लोग बने रहना, और मनीषा यहाँ पे पाव भाजी बना रही है, तो मैं और मनीषा हम लोग कैसे लग रहे हैं एक फ्रेम में आप लोग कमेंट में बताना। और आज मनीषा का ये ड्रेस जो है, ये और वीजा साड़ी है ना, यहाँ का ना मनीषा ने पूरा का पूरा सेटअप अलग ही रख दिया, पूरा ड्रेस ही यहाँ अलग रख दिया, और जो वहाँ का ड्रेस है वहाँ पर अलग रखा हुआ। चलो पाव भाजी ऐसा लग रहा तैयार हो गया, बटर लेके आओ, बटर से थोड़ा सा वो कर देना, पाव को सेक देना, फिर पाव भाजी डाल दो, ऐसे हो तो गया ठीक ठाक, थोड़ा सा डाल दो। देखो भाजी में धनिया डल रहा है, ये कौन है, पानी गिर जाएगा। ये देखो गाइस यहाँ पे लड्डू बैठा हुआ है, लड्डू व्हाट आर यू डूइंग, पागो पागो, पकड़ो 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 पकड़ो, सिट डाउन, हाउ आर यू लड्डू, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू मामू, थैंक यू मामू, आप कैसे हो? प्राचीत। आपका नाम प्राचीत है? व्हाट इज योर मम्मीज नेम? मम्मा नेम, मम्मा नेम, बताओ तुम्हारा प्राचीत है, मम्मा का क्या है? मम्मा क्या नाम है? डैडी नेम? नो ची, डैडी नेम? नो डैडी नेम, इसका नाम क्लीन कर दो, यू डैडी नेम प्राचीत, मम्मा नेम पिंक, पिंक मम्मा नेम, अच्छा वहाँ टीवी में पिंक आ रहा है इसलिए पिंक। मम्मा नेम क्या है? व्हाट्स योर मम्मा नेम? इंजेक्शन देते हैं, रुको इंजेक्शन लाओ। मम्मा नेम? मम्मा नेम सुचिता। व्हाट इज योर मामा नेम? मामा, मामा का नाम क्या है पहले बताओ। मामा जी नेम, मामा का नाम सचिन मामा, सचिन मामा, डैडी नेम प्रदीप, और नानाज नेम, नाना का नेम ऐसे था शिव जी प्रसाद, बोलो शिव जी, बोलो हर हर शंभू शंभू, ओए ओए टू 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 टू, हर हर आगे बोलो शंभू, शिव शंभू। तो ऐसे चलो इसका मस्ती मजाक चलता रहे, अभी टीवी में लुप्त है, वहाँ पे मोबाइल में वो लुप्त है महिला। अभी आया खाना बना के, खाना बना के रोटी सब्जी, अरे इतनी कब बनाने वाली, वो बनाई थी भिंडी और साग, हम बनाए पनीर भुर्जी और रोटी मम्मी को देने के लिए रास्ते के लिए। तो यहाँ पर ये भाभी बना रही है पाव भाजी, सब लोग का एक एक करके रोटी लगा। ये देखो ये लड्डू पता नहीं क्या क्या देखता है, व्हाट इज दिस लड्डू, ये क्या है,
इसी बीच हमारा नाश्ता बन के आ चुका है तैयार। लड्डू ये देखो, लड्डू ये देखो, क्ले आ गया। ये देखो यम्मी लड्डू, व्हाट इज दिस? पाव भाजी। खाओगे? तो इसमें गाइस भर चुकी है ऑलरेडी, स्टफ्ड है बाकी। गाइस अब मनीषा लग गई अपने ड्यूटी पे खाना पीना बना के। आज घर में कोई है नहीं तो आज मेरे को ऐसे ही घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं। आज हम लोग बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन लग रहा है? खाली बैठे हुए लग, फील ही नहीं हो रहा। पता नहीं कि परसों होली है, तुमको फील हो रहा है? इस होली के एक दिन पहले ही फील होने लगता था कि होली है। पहले थोड़ा ज्यादा ये सब चीजें होता था होली का ना। जितना ही पता नहीं क्या, अभी कपड़ा वगैरह फोल्ड कर रही है। वॉशिंग मशीन में धुली है क्या सब? हाथ से धुले हैं, वॉशिंग मशीन में। हाथ से? टोटल हाथ से धुला है, टोटल हाथ से धोई है। मशीन में क्यों नहीं धोई? मशीन में धो देंगे तो खराब नहीं हो जाएगा, रंग लग सब अलग अलग कलर है। यो कलर लगा था मेरे को, नहीं बोलेंगे इस। अच्छा हाथ से कल रात को ही धो दिए थे। अच्छा बहुत मेहनती है भाई। मेहनती क्या, मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा अलग होती है। ये तो बात है। तो गाइस चलो अब ये कपड़ा उपड़ा का धुलाई वाला काम चलते रहेगा। अब मैं पता नहीं, सोच रहा था गिफ्ट खोलूँगा फिर मम्मी चली गई उधर। मम्मी अब इधर जा रही है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हाय राम, नींद आ रही है। तो चलो अब गाइस अब सोने जाते हैं, आगे का व्लॉग मनीषा कंटिन्यू करेगी। अब सोने आते हैं, क्यों सोएंगे? गिफ्ट को फाड़ भी दिए हैं कल रात। मनीषा कपड़ा देखो कितना जल्दी जल्दी फोल्ड कर दी। मैं बोला कि आगे का व्लॉग बना लो, कह रही कि मेरे को अभी घर का बहुत सारा काम करना है, तभी खाना पीना बनाना है जो भी है। मतलब आज तीन तीन लोग खाना बना रहे थे ना, आंटी जी आई थी, फिर पूजा बनाई ले जाने के लिए, फिर तुम बनाई पाव भाजी के लिए। तो नाश्ता में ही तीन आदमी लग गए और सब लोग कमेंट कर रहे हैं मनीषा पढ़ाई छोड़ दी क्या। तो मैंने कुछ लोगों को बोल दिया कि हाँ छोड़ दी, क्योंकि गाइस बहुत अभी इस सेमेस्टर के लिए तो छोड़ ही दी है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसका। उधर प्रचार हो रहा है, वो आया हुआ है, क्या बोलते हैं, ठेला पे बेचने वाला है। तुमको अच्छा लगता है ना वो देखना? वही आया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट किए थे कि सचिन भैया ने अपने ब्लॉग में बोला है कि पढ़ाई छोड़ दी हमारी सब। मैं खुद नहीं देखी हूँ ब्लॉग, मेरे को टाइम भी नहीं होता है कि अपना ब्लॉग खुद ही देख पाऊँ, क्योंकि जब बनाते हैं ना हम लोग तो खुद ही देख के ही बनाते हैं, तो फिर उसको दोबारा मन नहीं करता। कभी कभी देखते हैं अपना ब्लॉग। बाकी हम इन सभी जस्ट आके पूछ रहे थे कि आप ऐसा बोल दिए कि हम पढ़ाई छोड़ दिए हैं वीडियो में, तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो कोई कोई बोल देता है ना कि पढ़ाई छोड़ दिया ये वो, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि हाँ छोड़ दिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। और मैं कॉलेज अभी क्यों नहीं जा रही हूँ, तो इसका भी रीज़न है कि अभी कॉलेज में 90% अटेंडेंस चाहिए होता है, और रेगुलर 75% तो क्लियर ही नहीं हो पाया था, 90% तो और नहीं हो पाएगा। प्लस पता है क्या, हमारे कॉलेज जो है ना वो हरियाणा में है, वहाँ पर ना ही छठ पूजा का छुट्टी मिलता है, ना ही होली में, मतलब यहाँ पे चलो होली दिन, होली में दो दिन मिल भी जाता है। होली वैसे भी हम कभी वहाँ, अभी शादी के 3 साल कंप्लीट हुए हैं, एनिवर्सरी भी हमारी थी, लेकिन कभी भी हम लोग ना होली वहाँ मनाए हैं, ना दिवाली मनाए हैं, ना छठ पूजा वहाँ मनाए हैं। ये सारा चीज़ ना अपने ससुराल में ही अच्छा लगता है मनाना, इसलिए मैं यहीं पर मनाती हूँ। तो अगर यहाँ, अगर सोचो आने में, अगर बाई कार भी आती हूँ ना या बाई ट्रेन आती हूँ तो भी 2 दिन लग जाते हैं, प्लस अगर 1 दिन मना के और फिर जाऊँगी तो 2 दिन लगेंगे, 5 दिन तो ऐसे ही हो जाएंगे। और पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और बीच बीच में कहीं जाना होता है, कोई वो वीडियो के लिए ही जाना पड़ जाता है, तो उससे और भी नहीं हो पाता है। मतलब जो मतलब गाइस देखो आपको रियल बात बता दे, तो पूरे सेमेस्टर में ये मैक्सिमम 10 से 12 दिन छुट्टी ले सकती है, उससे ज़्यादा छुट्टी लेगी तो ये डिटेन है। लेकिन हमारा जो काम है वो काम मतलब 10 दिन हर सेमेस्टर में तो कम से कम हमारा हक बनता है कि हम कम से कम ये ससुराल भी आके रुके, क्योंकि अर्जेंसी कुछ हो जाती है, जैसे सगाई था घर में, फंक्शन था, अब ऐसे टाइम पर नहीं आओ, या फिर कोई इवेंट में हम लोग जाते हैं या कहीं शूट पे जाना पड़ता है, क्योंकि फिर अगर हम नहीं जाएंगे वहाँ पे शूट पे नहीं जाएंगे, या फिर अगर कहीं हम नहीं जाएंगे तो हम लोग
एक तरह से रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाएंगे और एक तरह से घर में बैठे बैठे ना दिमाग वैसे ही दर्द होने लगता है मेरा तो, खास करके अगर मैं लगातार 15-20 दिन कहीं ना जाऊँ ना तो मेरा सिर दर्द शुरू हो जाता है, मेरे को ऐसा लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। मनीषा का भी खुद बाद में अजीब सा लगने लग जाता है। और कॉलेज में पता है इतना चलना पड़ता है, इतना चलना पड़ता है, जिस दिन ये कॉलेज से आती है उस दिन मेरे को ये लगता है ना रात आते आते कॉलेज से सो जाती है, फिर रात को 10 बजे उठती है। वो मेरे साथ ही नहीं, वो बाकी मतलब लोगों के साथ भी होता है, लेकिन तो अब ऐसा कुल मिला जुला करके ऐसा हो रहा है, कुल मिला जुला करके ऐसा हो रहा है कि अगर इनको कॉलेज जाना है तो ये 10 दिन से ज़्यादा छुट्टी ले नहीं सकती हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि इस सेमेस्टर तक तुम अपना ये कर दो, क्योंकि सगाई हो गई था, हम लोग को जाना होना था, नेक्स्ट सेमेस्टर से अपना हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट सेमेस्टर फाइनल ईयर हो जाएगा इसका, थर्ड ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो फाइनली आपको जवाब मिल गया होगा। मनीषा ने अभी कॉलेज छोड़ा नहीं है, बस अटेंडेंस कम हो रही है इसलिए डिटेन है, तो डिटेन बाद में होगी, इससे अच्छा भाई छोड़ ही दो, अभी इतना मेहनत करके जाओ थक थक के, इस बार भी मैं कॉलेज एग्जाम ही ना दे पाऊँ। और रही बात नॉलेज के लिए, बहुत लोग बोलते हैं तो कॉलेज में पढ़ाई वाला नॉलेज से ज़्यादा टीचर खुद बोल देते हैं कि भाई आप लोग असाइनमेंट बनाओ, आप लोग खुद से पढ़ के आओ, कॉलेज में आप टीचर्स के भरोसे नहीं पढ़ सकते, आपको खुद से खुद बहुत पढ़ना पड़ता है लाइब्रेरी में जा कर के। पता है क्या, मैं तो भूल ही गई, पता नहीं अब क्या क्या बोलना है। तो कुछ टीचर्स एक दो पढ़ाते हैं, बाकी सारे तो वही एक असाइनमेंट 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 यही सब चीज़ होता है कॉलेज का। तो मैं तो आप लोगों ने देखा होगा जब जैसे ही हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था ना, फिर मैं डेली क्लास जाती थी और डेली 4 हाँ। क्लिनिकल पोस्टिंग करके आती थी। बताओ गाइस, जिसका 74% था उसको भी एग्जाम लिखने नहीं दिया इनके क्लास में, हमारे साथ बीटेक वगैरह में तो ऐसा नहीं होता था कि 70 वालों को तो एटलीस्ट अलाउ कर ही देते थे, बट यहाँ पर इतना स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दिया गया है। और ऊपर से जो बच्चे, अब ये तो चलो छोड़ो, जो बच्चे रेगुलर जा रहे हैं जैसे कि तनु, आप देखते होंगे मेरे साथ रहती है हमारे साथ घर पे, उसका रेगुलर 95-96% अटेंडेंस होगा, लेकिन उसको भी 60-62% कर दिया था वो लोग, क्योंकि जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, ऑनलाइन अटेंडेंस शो करना बंद कर दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि पैसों के लिए हो रहा है या पता नहीं किस चीज़ के लिए हो रहा है, लेकिन प्रॉपरली अटेंडेंस काउंट ही नहीं होता, ये हर बच्चे की शिकायत होती है। बोला यार चलो तुम टेंशन मत लो, क्योंकि एक तो पहले ही हमारे पास अलग अलग 4 तरह का टेंशन है, घर बनवाना है, शूट पे जाना है, इधर करना है, उधर करना है, और ऊपर से तुम और भी ज़्यादा ऐसे ऐसे टेंशन ले लोगे तो फिर तुम्हारा काम ऐसे ही नहीं हो पाएगा। तो तुम अपना मस्त कूल माइंड रहो, इसका टेंशन मत लो, कॉलेज जाओ तो एक अपना सोशल नॉलेज के लिए, सोशल मतलब उठना बैठना, सामाजिक शिक्षा के लिए जाओ, बहुत बड़ा ज्ञानी वानी तो बनने का ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ कोशिश करो कि सब कुछ हो और टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। अभी कॉलेज जाएगी तो अपना सब कुछ धीरे 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 मैनेज करेगी, अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अभी हमारे हालात हमारे सिचुएशन वैसे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और एट द एंड यही बोलूँगा कि कॉलेज जाएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगी, जाएगी, लेकिन जब हमें लगेगा कि हाँ कॉलेज के लिए पूरा दे पा रहे हैं 100%, तब, क्योंकि अब मान लो पूरा मेहनत करो 75% 80% भी अटेंडेंस होगा और पता लगे कट ऑफ 90% जा रहा है तो वो पॉसिबल प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो अभी स्टार्टिंग में हमें एडमिशन के टाइम पर नहीं पता था कि ऐसे नियम्स कॉलेज के हर साल बदलते रहेंगे और कॉलेज अपना मनमर्जी लगाते रहेगा कि 90 करना है, फिर कल करेगा 95 करना है, 10% सिर्फ मेडिकल मिलेगा, 90% अटेंडेंस। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारे एडमिशन के टाइम पे जो क्राइटेरिया था, हमारे एडमिशन के टाइम पे क्राइटेरिया था 75% अटेंडेंस होता है और 10% आपको मेडिकल मिल जाएगा 65%। तो फीमेल्स तो वैसे भी, लड़कियां जो भी होती हैं उनका 10% मेडिकल वैसे ही कवर हो जाता है क्योंकि उनको प्रॉब्लम होता ही है कुछ ना कुछ, और अगर एक्स्ट्रा किसी दिन बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया या कुछ हो गया, प्लेटलेट्स वगैरह का कुछ इशू हो गया तो फिर तो वैसे ही वो डिटेन हो जाएंगे। तो उस केसेस में या कोविड वगैरह जैसा सिचुएशन था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो ये कॉलेजेस में होती हैं। और इस बार तो रिजल्ट भी मैंने देखा, हाँ इस बार का रिजल्ट पता है क्या, 10 बच्चे मुश्किल से पास करे होंगे, 10 से 15, बाकी सबको फेल करा हुआ है। अब सब सप्ली का फॉर्म भरेंगे कॉलेज में, पैसे खूब सारे जाएंगे। अभी देखो ना, हम लोग एक सप्ली का जो फॉर्म भरे थे उसमें सारे बच्चे रिटर्न हो गए थे। मैं तो सोचती थी चलो मैं कॉलेज नहीं जाती हूँ, मेरा जो कॉलेज जाता वो भी रिटर्न था, जो कॉलेज में डेली जाके क्लास लगा के पढ़ के, क्योंकि उनके पास अटेंडेंस रिकॉर्ड ही नहीं है, अटेंडेंस का नहीं, वो जो लिखे भी है ना पता नहीं रिजल्ट में पूरा सप्ली क्यों आया है, मतलब सेम नियम कानून बदलते रहते हैं, A++ ग्रेड मिला हुआ है बेशक, लेकिन बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। कॉलेज अच्छा है, स्ट्रिक्ट है और जो बच्चे एकदम स्ट्रिक्ट है, फैकल्टीज फ्रेंडली नहीं है, प्लस आपको फैकल्टी जो मतलब पढ़ाई अगर अच्छी होती तो आप ये समझो पढ़ाई का भी एक वो होता है ना कि इतने सारे बच्चे,
अब 100 में से 20 बच्चों का रिजल्ट आ रहा है, तो बाकी 20 बच्चों का 30 बच्चों का ऐसे रिजल्ट आता है, बाकी फेल क्यों हो रहा है? कुछ ना कुछ रीज़न होगा ही। चलो ये तो अटेंडेंस था, इसका दिया नहीं पेपर, लेकिन जो दिया वो बच्चे भी इतने सारे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में कोई ना कोई दिक्कत हो गई। तो स्ट्रिक्टनेस से सिर्फ ये चीज़ नहीं होता कि अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, पढ़ाई इतना मस्त ग्रेविटी होनी चाहिए ना कि बच्चा अपने आप खिंचाए, उसको समझे कि यार पढ़ाई हो रहा है। मैं तो इसको खुद बोल देता हूँ क्या पढ़ाई हुआ, तो कुछ नहीं, यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ गए, यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं। कभी ये पोस्टिंग में कोई टीचर ही नहीं होता, खुद जाओ ये अपना खुद करो, उसका साइन करवाने के लिए बस टीचर को ढूंढो। एक दो बार मेरे को बोला कि मैं टीचर को ढूंढते रह गई, साइन नहीं हुआ। अब बताओ पोस्टिंग लग रही है 3-3 घंटे की, 3-3 घंटे खड़े होना, बैठना भी नहीं है, कोई चक्कर आके गिर भी जाता है क्लास में, है ना, कोई कोई चक्कर आके क्लास में गिर भी जाता है, उसके बाद फिर भी उसको कोई ये नहीं है। अब हर इंसान का अपना अपना कैपेबिलिटी होता है। मैंने बोला भाई तुम 3-3 घंटा खड़े मत हो, हमें नहीं ज़रूरत है ऐसी पढ़ाई की। भाई खड़ी हो जाती है, अब उसके बाद साइन नहीं हुआ था उस दिन, तुम कितना परेशान हुई थी, 2 दिन तक फाइल लेके घूम रही थी, साइन नहीं हो रहा था, तो बहुत सारा इश्यू है। इस बार ना जैसे ही सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था ना, फिर मैं सोची थी कि इस सेमेस्टर में ना मैं बिल्कुल डिटेल नहीं होऊंगी, क्योंकि अगर मैं पेपर भी देती हूँ ना, कॉलेज जाती हूँ, तो मेरा ऐसा कभी नहीं होता है कि मेरा पेपर ना निकले, क्योंकि जो मैं पढ़ती हूँ वो तो पक्का निकाल। तो कुल मिला जुला के अभी हम लोग फिलहाल आपको एक और चीज़ बताते हैं, हम लोग कॉलेज का टेंशन नहीं लेना चाहते, क्योंकि ज़िंदगी में हम लोग टेंशन लेके कोई काम नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने इसको भी फ्री रखा हुआ। इतना है कि अभी आप लोगों को बता नहीं सकते, बता नहीं सकते हैं, लेकिन छोड़ो। और वो भी कहीं ना कहीं रीज़न है कि ये कॉलेज नहीं जा रही है, और वो कॉलेज वाले भी नहीं समझेंगे और आप लोग भी नहीं समझोगे, इसीलिए कोई बात नहीं है, छोड़ो। और ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब मन नहीं होता है कॉलेज जाने का, या फिर पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। पता है जब मैं 12th में थी ना 11th में थी ना, तब मैं हमेशा ही जाती थी कॉलेज, बारिश भी आता था ना तो भी मैं। और यहाँ तो गाइस आपको बताऊँ, अगर बात डिग्री की होती ना तो घर बैठे बैठे भी डिग्री मिल जाती है आज भी इंडिया में। इंडिया में क्या मतलब, बहुत सारी जगह ऐसे आप घर में बैठे बस पेपर, बहुत सारे लोग तो पेपर जाके देख के आते हैं सिर्फ, कॉलेज उनका कभी नहीं देखोगे जाना, लेकिन वो पेपर बस एग्जाम लिखने आते हैं, एग्जाम दे करके अपना डिग्री हो जाता है। मतलब अब वैसे भी अगर हम लोग कराना चाहे करा सकते थे, लेकिन उस तरह का जाली काम नहीं करना था। ठीक है, जाओ कॉलेज जाके एक्सपोजर लो, यूनिवर्सिटी लो, पढ़ाई कैसा होता है, टीचर्स क्या होते हैं, उठना बैठना कैसे होता है, वो चीज़ सीखना बहुत जरूरी था लाइफ में। जितना दिन भी मैं कॉलेज आती हूँ ना, कुछ ना कुछ सीख के ही आती हूँ। कॉलेज जो डेली जाता होगा वो सोचो कितना सीखता होगा। ऐसा नहीं है कि कॉलेज क्या ही बोलो, समझ में। चलो कोई बात नहीं भाई, जो भी है अपनी जगह सब ठीक होता है, माता रानी है, सब ठीक होगा, हम लोगों को टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, लास्ट सेमेस्टर, लास्ट ईयर जो होगा उस टाइम सारा पेपर वगैरह इसको क्लियर करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा टिकाऊ होना पड़ेगा। इस बार अभी अटेंडेंस पूरी नहीं हो पाती, इसीलिए पहले ही मैंने बोल दिया कि भाई देख लो तुम, अटेंडेंस तो पूरा होगा नहीं, अगर तुम कॉलेज लगाओगी मर मर के तो एग्ज़ाम देने नहीं देगा वो लोग, और पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रहा है तो तुम क्या करोगी जाके। तो अपना आप लोग ना प्लीज़ निगेटिव कमेंट मत करो, अगर कोई भी चीज़ बोलना है या समझाना है तो आप लोग पॉजिटिव वे में समझाओ, क्योंकि ना मैं कुछ लोगों के कमेंट को लेके ना मैं इतना टेंशन ले लेती हूँ ना कि पूरा सर दर्द, मैं तो अकेले में रोना भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को ना ये सब सुनने का मतलब वो आदत नहीं है, ना ही मेरे से बर्दाश्त हो पाता है, इसलिए निगेटिव कमेंट प्लीज़ मत करना। अगर जो भी कुछ बोलना होगा, अगर मेरे में गलती भी होगा ना, तो उसे पॉजिटिव वे में समझा दो, अपनी छोटी बहन समझ के या फिर जो भी हो दीदी समझ के अच्छे समझा देना, वो मैं फिर देखूंगी अपने आप को बदलने का। चलो गाइस अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, है ना, बहुत सारी बातें हो गई, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।